ऑनलाइन क्लास चली था तो पढ़ा ही नहीं। तो कैसे पता चलो कि हम आगे ढोल बता ही पे हमारी मौसी रील्स बना रही है तो यहाँ हम पटना में तो हल्का मचा दी। मौसी इतना रील्स बनाए कि लास्ट में फोन भी जवाब दे दिया कि अब छोड़ दीजिए मौसी अब ना बनाइए। यहाँ पे सब लोग डांस किए और सब लोग को बहुत ही अच्छा लगा और मौसी भी बहुत अच्छी है और ये मौसी मसौड़ी रहती है ना मौसी जी। मौसी मसौड़ी की ही है और ये मसौड़ी की बेटी है जो अंत बदमाश है। अमृता आप कुछ रिव्यू देना चाहेंगे? एक घंटे इसको आए हुए तबाह कर दिए हम इसके साथ रहते हैं तो मेरे को भी बहुत तबाह करती है। ये भी क्या इसकी बहन है और ये इसकी मम्मी। आप बताइए कितना परेशान करती है मौसी आपको? बहुत परेशान करती है अरे कॉपीराइट आएगा तब मत ही डालो। तो मौसी मसौड़ी रहती है और ये अमृता की मौसी है। अमृता की मौसी मतलब मेरी भी मौसी। ये सब की मौसी है। तो मौसी गंगा स्नान करने आई है ना? तो गंगा स्नान करने जाएंगे ना? कल जाएंगे तो कल जाएंगे गाइस और हम लोग भी जाएंगे। और आज मौसी इस्कॉन टेम्पल गई थी। अरे खत्म मौसी के बगिया गई थी। तो मौसी गई थी इस्कॉन टेम्पल है ना मौसी? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। संकीर्तन हो रहा था और प्रसाद वितरण हुआ उसके बाद हम लोग घर आए। तो वहाँ पे भजन भी हो रहा था ना मौसी? हाँ, हो रहा। मौसी साथ पहली बार आई थी है ना? हाँ। मौसी पहली बार आई थी इस्कॉन टेम्पल। हाँ। और अमृता लेकर गई थी और हम अपनी मम्मी को दिखा कर आए तो बाकी अब मौसी लोग खाना खाएंगे फिर उसके बाद जाएंगे ऊपर तो फिर सोएंगे उसके बाद आप लोग से बात करेंगे है ना मौसी? सब कोई सूत या तो तू काली मैया ने खाना बैठल है जाते जाके सूत दो कहा ना सुतेगी एकदम लड़ाकिन है जी। जाओ जाके सुतो बाय गुड नाइट गाइज। आप लोग को भी काली मैया को देखते रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और इसको देखते रहिए बाय। तो आज का मेरा ब्लॉग का शुरुआत होता है। ये शुरुआत आप लोग देखेंगे कि रात में मौसी लोग आई हुई थी तो मौसी और अमृता की मम्मी चली गई हैं लेकिन हम अभी नहीं गए। हम भी आज घर जाने वाले हैं मम्मी के साथ स्पेशली। मम्मी रुक गई है तो रात में देखेंगे क्या क्या हुआ था। और रात में हम लोग के छत पे विश्वास नहीं कीजिएगा 4 बजे आया था अमृता 2:30 बजे आया 3 बंदर और 4 बजे आया 8 बंदर छत पे। हम लोग कैसे कैसे भागे बिछौनवा लगता उपरा ही है ना बिछौनवा ले ले आना। तो अभी जस्ट तैयार होते हैं हम तैयार हो चुके कि हमको घर इसलिए जाना है क्योंकि हमको EWS बनवाना है। मेरा एडमिशन स्टार्ट हो चुका है कॉलेज में तो सीधे अभी निकलते हैं घर के लिए और बस संडे रहेंगे मंडे को आ जाएंगे। अगर मंडे को काम नहीं हुआ तो ट्यूजडे को तो एनी हाउ घर से आ जाएंगे। तो सीधे चलते हैं घर। टाइम हो चुका है 4:30 बजे वाला ट्रेन से जा रहे हैं। अभी हम लोग जस्ट निकले हैं बाहर अभी 3:30 हो रहा है उसके बावजूद भी बहुत ही ज्यादा धूप है। तो जस्ट देखिए एग्जीबिशन रोड इधर से हम लोग हर बार दिखाते हैं कि एग्जीबिशन रोड काफी पास में पड़ता है तो सीधे पहुंचते हैं एग्जीबिशन रोड वहां से ऑटो लेकर स्टेशन फिर 4:30 में ट्रेन फिर घर। जस्ट पहुंचे हम लोग स्टेशन जाते हैं ट्रेन शायद 8 नंबर पे वो पहले बैठते हैं और उसके बाद बताते हैं कैसे क्या क्या हुआ। अभी हम लोग हैं 8 नंबर जंक्शन पे हम लोग का ट्रेन आ रहा है। जैसे ही सीढ़ी से उतरे वैसे ही ट्रेन आ रहा है। बस ट्रेन आ रहा है हाँ देख रहे हैं ये देखिए दिख रहा होगा आप लोग को ये हम लोग को ट्रेन आ रहा है लेकिन खुलने में थोड़ा टाइम है 4:30 में ट्रेन खुलता है तो आगे जाते हैं ताकि हम लोग को सीट मिल जाए तो ट्रेन में बैठते हैं और उसके बाद दिखाते हैं। नहीं तो ये जो ट्रेन आई ना तो हम लोग को लगा कि ये हम लोग का ट्रेन है लेकिन ये हम लोग का ट्रेन था नहीं फिर उसके बगल वाला ट्रेन था हम लोग का। और भीड़ देखिए बाप रे आज हम लोग के ट्रेन में इतना भीड़ था और भी ज्यादा भीड़ हो गया था। फाइनली कुछ देर के बाद मतलब 4:30 में जो ट्रेन था ना लेकिन ट्रेन खुला 5 बजे हम लोग बहुत देर के बाद पहुंचे तिनेरी मतलब 2-2.5 घंटे के बाद। और ये है व्यू। फाइनली अभी हम लोग पहुंचे हैं घर और इतना भीड़ मम्मी कितना भीड़ है लो बताते बहुत ज्यादा ना। अभी पहुंचे चुट्टी ससुर के जगह ना पॉलिटेक्निक वाला का शायद आज एग्जाम था इसीलिए बाप रे इतना भीड़ कैसे तो हमको सिर अंकल बैठा लिए थे कैसे तो मम्मी खाली करके बैठा बैठेंगे ले हमने जो ठीक कह ले हैं ना। तो इतना भीड़ था ना आज इतना भीड़ के इंसान मर सकता था इतना भीड़ मतलब लोग लटकल है ऐसे वाला सीन था। कोई ऊपरे बैठा कोई कन्ने मतलब पूरा ट्रेन खचमा खच भरल
जनरल पसेंजर ट्रेन में यही हाल होता है। और भी हमने के आप सीट मिल जाए तो हमने एने उन्ने जो चल गए ना, हम लोग सबसे पहले 8 नंबर पर गए तो सब लोग बोला कि 10 नंबर पर ट्रेन आ रहा, फिर वो 10 नंबर सुर था कहेंगे पीआर का कब पहुंचा है, हरियर का ना देता है, हम ना ध्यान दिले अवेयर इसमें ट्रेन में हम देखे नहीं थे। फिर 10-15 मिनट इधर उधर ही हो गया, 10 मिनट पे 10 नंबर पे जाके 5 मिनट रहता तक तो भर गया था, लेकिन थैंक गॉड सीट मिल गया था। और ट्रेन भी आधा घंटा लेट खुला, 4:30 में ट्रेन था खुलने का लेकिन खुला 5 बजे। बहुत भीड़ था गाइस, बहुत भीड़। पहुंच गए हम अपना घर, हम जल्दी से जाते हैं गाइस अंदर क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रहा है। तेरा कैसे पता चलो कि हम आ गए ढोल बता ही, माजी बोला था, माजी को चिकल थे नल अनीता हुआ आई हां चले के तो ऊपर है। अच्छा तो फाइनली हम आ गए घर, और हम जैसे ही आए ना तो गोपाल जी एकदम दौड़ दौड़ भागते भागते हमारा भी जुन आ गया। कहां गोपाल जी? हां गोपाल जी को हम सरप्राइज दे दिए। हुआ क्या कि गोपाल जी को भी नहीं था पता, हम सडन आ गया ना ईडब्ल्यू। हाँ गोपाल जी अपन एसी दिखा रहा है। तो गोपाल जी तो बताओ तेरा कैसा लगे था हम आ गए तो हम बार, लेकिन एक के दिन लगे लो ज्यादा दिन तो हम ना रहबो, परसों दिन ना कल भर रहबो, परसों हम चल जबो संडे के। तो संडे के तो तोर का तो ऑनलाइन क्लास चली था। हाँ तो पढ़ाही हम तो काहे ना पढ़ाही रे, आ इधर पहले तू आ इधर सुन। हम सब एरिया काले की सवेरे 5 बजे उठ जा। तो तू ना उठाई 5 बजे? ना 5 बजे ना उठ लगी। तो तोरा पढ़े में मन ना लगो गोपाल जी, हम सब समझ गए लियो। तब गोपाल जी तब सब लोग जानते हैं कितना फेमस हो गया, सब तोरा खोज लो कि गोपाल जी कहाँ है, गोपाल जी कहाँ, गोपाल जी कहाँ। हम कह ली कि रुकिए गोपाल जी आ जाएगा, तो फाइनली गोपाल जी आ गया है और आई एम सो हैप्पी, गोपाल जी ऑल्सो हैप्पी। तो देखते रहिए हमारे ब्लॉग और आपको पता चलेगा आज होगा क्या क्या। ठीक खुलते ही स्कूल पूरा दिन बंद। अब मजा खाता, अब स्कूल खुलतो ना? ना ना खुलतो, स्कूल खोल मेरे कर दो तोर ना, ऑनलाइन क्लास चल सी तो काहे लगी खुल जे। तो ऑनलाइन तू ना पढ़ा ही, हम सर के कह देबो कि गोपाल जी ऑनलाइन में नहीं पढ़ता है। पता है बात बतियो नहीं तो फुआ कौची बात बतावे, बताओ कौन बात है। एक दिन सबेरे सबेरे लाइन कट गेलो। अच्छा लाइन काट के लोलता ना रात दूदू को बात हो, एक दिन रात काय को बात हो, दू को बात। हाँ, एक दिन रात ये के लाइन काट के लो। अच्छा आओ देखी वो ना काहिया रात ये के लेना काट ले हल काट नहीं पता काय ना ओन ओने को उजार का घर वा देखे था ही ना दूर बा के साबा के दूर बा ना ओने को उजर घर हो। हां सम अच्छा हम समझ गेलु तू कोची कहल चाहे थे। ओ वही ने चिंटू चा पीले हाल छिन जे जरा देल थे। सच्चे सच्चे में? हां हमने के लगले कि कुछ शॉट उठ मारे, शॉट मार देल गए। हम जब आते हैं ना तो गोपाल जी पूरा गांव के कहानी हमको बताता कि कोची कोची होता है। आप कोची होले हल एक दिन आओ कुछ हो लोलते पूरा गांव के कथाकारे लेके बैठेगा क्या ई हो लाऊ आवाज ऊ हो लाऊ बक्का दी हो ले। मेरी 5 बजे लाइन कट गेलो। हां औ काखनी देलो एकदम 4 बजे लगा हलो कि देलो तो तोर तो दिमाग खराब हो गेलो हो। 4 बजे बाप रे ना सुबह 4 बजे दे देल। हां अच्छा तो तू हमर दुरवा पर आके सुतल हाली है ना? हां एजा पड़ी सारा चाची हमरा सब बता देल थू ना। तो गोपाल जी हमको पूरा कथा कहानी बताता है कि कौची कौची होलो फुआ कौची कौची ना होलो। अब बाकी तो गोपाल जी ट्रेन में इतना भीड़ हलो ना एकदम मियाँ शर्मना गए लो। अभी से समझ में? तो गाइस हम बताते हैं कि क्या हुआ ट्रेन में, इतना भीड़ था। देख गोपाल जी नीलकंठ, आज हम आप लोग को नीलकंठ दिखाते, रुक जाइए आप लोग को गाइस। वो नीलकंठ भगवान है, देखिए ये नीला नीला दशहरा के टाइम देखा जाता है या कभी भी देखिए, बहुत शुभ होता है। अलो समझ में? ठीक था। हाँ एक बार आओ देख लो। देख तू कुछ मांगे नहीं हाल, आंख बंद करके मांगी है कि हाँ तोरो पास करा दे तू, जिससे हम पास हो लू ना। जखे से करा बात बताइए, बात बताइए गोपाल जी तो हमको आते ही गोपाल जी एकदम 100% खुश रहता है। का बेटू तो हर सब कुछ वाला वीडियो देख लो, हमर सब ब्लॉग देख ली है। तो सब तो कमेंट ना पढ़ाई साहब का गोपाल जी को ब्लॉग में लाइए, गोपाल जी को ब्लॉग में लाइए। गोपाल जी भी हमारे ब्लॉग के बहुत बड़ा फैन है। तो हम पहाड़ी के तभी हम जैसे कौची कहता के पापा मन गए थे ना। हाँ तक को ओइना खा गेल त दो आदमी हम पहचान गेल, दो आदमी पहचान गेल। हाँ।
गोपाल जी के जन्ने जाता है ना तो भोज खाइए नील गोपाल जी आगे खाइए नील रे गोपाल जी मर खा जाता है इसको सब कोई पहचान जाता है। तो फाइनली घर आ गए और दो दिन ही रहेंगे तो आपको गोपाल जी के साथ दो दिन का ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। और गोपाल जी तो आज का मौसम ऐसा लग रहा है कि लग रहा है ना शायद आज पानी पड़ेगा। देखिए पूरा बादल है इस करिया करिया पूरा बादल हो गया है। आज तो पानी पड़ के रहेगा। आज लगो गोपाल जी पानी पड़ जाता है कुछ हो जाओ देखी ना अम्मा का खबर। हाँ और अंधा रहते अम्मा चुन है ठीक ना कौन बात बताई मेरे गोपाल जी दिन भर खाली को बात बताई बात बताई। फाइनली अभी बज गया 8 और हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं। जब से हम आए गोपाल जी मेरा मोबाइल में खाली गेम खेल रहा है ये लगे हमारा खुजबे करता है कराओ कोई काम नहीं हमारा से। चाय पीने के बाद कुछ मैं खाना बना भी थे और आज से शायद अदरा चढ़ गया है ना अभी सुबह से कहीं खाते आज से अदरा चढ़ गया तो असरिचरी तक खीर नहीं ना बनेगा कल से तो आज से अदरा भी चढ़ गया। आप लोगों को पता है कि अदरा किसको कहते हैं बताइए।